Maradona. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम निकल रहे हैं हिमाचल के लिए और वहाँ पे कुछ मंदिर पे फंक्शन, तो भाई वहाँ के लिए निकल रहे हैं। बाकी यार अभी बजे हैं शाम के 5, सो देखते हैं हम कितनी देर तक वहाँ पे पहुँचेंगे। बट जितना मेरा आइडिया है, अभी जो है हमें वहाँ पे पहुँचते जो है रात हो जाएगी, तो हमें लेट हो चुकी है आज काफ़ी ज़्यादा निकलने में, क्योंकि अभी जो है थोड़ी देर पहले किशनपुर साइड जो है बारिश हो रही थी, तो इस साइड पूरी धूप निकली हुई है, तो वहाँ से निकलने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी। भाई यार ट्रैफिक चेक करो, भैंस के यहाँ कितना ज़्यादा है। भाई कसम से खतरनाक वाला ट्रैफिक और धूप भी भयंकर हो रही है, पर इतनी चुभ नहीं रही है क्योंकि शाम का टाइम है ना। तुम्हारा दो ऐसों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इधर से ले लेते हैं अंदर भौवाला की तरफ। यहाँ से जो है आगे आप देख सकते हैं हरियाली बड़ी मस्त हो रखी है और यहाँ का व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। बाकी यार मैं आपको जो है ज़्यादा रास्ता नहीं दिखाऊंगा लंबा, क्योंकि यहाँ की वीडियो जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा बार डाल दी है, क्योंकि मैं इधर से आता जाता रहता हूँ और यहीं से मेरा घर पड़ता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको ज़्यादा रास्ता ना दिखाऊँ, सिर्फ बाकी बीच बीच में एक आध शॉट जो है आपको हिमाचल वाली साइड के भी दिखाऊँगा। और रात होने से पहले कोशिश करते हैं कि हम पहुंच जाएं। यहाँ से है गांव हमारा अभी लगभग 10-15 किलोमीटर के आसपास होगा, फिर मैं आपको आगे पहाड़ का ही एरिया दिखाऊंगा थोड़ा, तो कोशिश यही करेंगे कि आपको वहीं से दिखाया जाए। भैया हट जाओ, बज रही है ना इस साइड, बीच में बज रही है ना। अरे इतना नहीं है पानी, यहाँ है ना बीच में। अरे भाई जी थम जाओ, चलो भाई निकल गई गड्डी। चलिए भैया, सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों में और भाई देख सकते हो रात काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए जो है मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो है काफी ज्यादा अंधेरा है। और अभी हम जो है यहाँ से 8-9 किलोमीटर अभी भी दूर है। बाकी आप देख सकते हो यार पूरा रास्ता सुनसान है, तो अब मैं वहीं पे पहुँच के आपको जो है दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ख़राब है, इधर भी पूरे में बारिश हो रखी है और पानी जो है काफ़ी ज़्यादा था रास्ते में, बस कुछ ऐसा ही सीन है। और भाई बहन से कितनी सारी हैं ये देखो, हम पहुंचने वाले हैं और बस थोड़ा सा दूर आके जाके मार्केट आ गई है आगे। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से अब घर पे जा रहे हैं और देखते हैं भाई अगर मंदिर पे पॉसिबल रहा, भीड़ कम हुई तो हम वीडियो बनाएंगे, वरना ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगा। बाकी अभी देखते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी जो है काफ़ी लेट भी जाना है वहाँ पर, बाकी क्राउड के हिसाब से पता चलेगा कि कैसा जो है सीन है वहाँ पर। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से,
वापस। और अभी है सुबह के 8-9 बजे का टाइम। बाकी यार गाइस, रात में वहाँ पे मंदिर पे थोड़ी देर के लिए गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इसलिए जो है वीडियो वगैरह नहीं बना पाया ज़्यादा। तो मैं उसकी जो है थोड़ी बहुत क्लिप जो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की थी वो मैं डाल दूँगा। बाकी आप उसको एक बार जाके पहले देख लो, उसके बाद मैं फिर आपसे आगे बात करता हूँ। बाकी गाइस, वीडियो तो आपने देख ली होगी। तो भाई ये कुछ सीन था, रात खतरनाक वाला माहौल बन गया था उधर। तो भाई मंदिर पे जो है सभी लोग खेलने लग गए थे, वहाँ पे जो है वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, डीजे वगैरह लगे हुए थे तो आवाज़ वैसे भी रिकॉर्ड नहीं होती। अभी जो है मैं सुबह वापस निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। भाई गाड़ी वगैरह ठुक गई गाइस यहाँ पे। तो बाकी यार गाइस, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।